नोटबंदी पर आज भी संसद में हंगामा जारी रहा। विपक्ष संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। पीएम मोदी आज राज्यसभा में मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी हंगामा होता रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। तो राज्यसभा में आज क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं। अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, इनके पास कोई बहाना नहीं है। आप चर्चा शुरू करिए, चर्चा आप शुरू करिए। आपके पास न तर्क है, आप भी कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं। हम पहले दिन से यही बात कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि क्योंकि काले धन के जो कुबेर हैं वो कंगाल हो गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी इसलिए माफी मांगे कि देश के गरीब, देश के कमजोर तबकों का जो धन, जो उनका हक, इन काले धन के कुबेरों ने, भ्रष्टाचारियों ने इन 7 दशकों में लूटा था, उसको प्रधानमंत्री जी उन गरीबों, उन कमजोर तबकों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, इसलिए माफी मांगे। माफी तो कांग्रेस को अपने उस कलंक के लिए मांगनी होगी, उस कलंक के लिए माफी मांगनी होगी जिस कलंक के चलते कि देश का गरीब, देश का कमजोर तबका, देश का किसान आज बदहाली में है। आज तो खुशहाल होने जा रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। इनसे द डिमांड ऑफ द ऑपोजिशन वाज दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड कम टू द हाउस एंड लिसन टू द स्पीक। यू प्लीज टॉक, whatever you have to say you can speak, you can say here, please resume the discussion. I am calling AU Singhdev. Try, you at least try. Get the house on order, sir, then I will speak. I have no other go but adjourn the house. You don't want discussion, so I like to adjourn the house, no other go. You discuss. Very good brain. No shouting discussion. House is adjourned till 11 a.m. on Friday, 2nd December. Kal ke liye adjourn kar diya.